खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायद हिज्ब इख्तलाफ डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा है कि सूबाई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की कोई परवाह नहीं है। वजीर आला कहाँ है? वजारत दाखिला के हुकाम कह चुके हैं कि उनके पास नहीं, वो पहले भी 8 घंटों के लिए गायब हुए थे। क्या उसकी तफसीलात सामने लाई गई? समा के नुमाइंदे अब्दुलरहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुलरहमान, क्या कहना था उनका? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास तलब किया गया है, इस हवाले से कायदे हिज्ब इख्तलाफ का क्या मौकफ है, उनसे जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बाबर सलीम सोहाती ने इजलास क्यों तलब किया और आप क्या समझते हैं कि वाकई वज़ीर आला लापता है या खुद रोपोश है? रात 12 बजे नोटिस करना, वो संडे के दिन, क्या अर्जेंसी है आई डोंट नो। जहाँ तक लापता की बात है तो लास्ट 8 घंटे जब ये गायब था तो उसके बाद उसने तो नहीं बताया कि किसने बिठाया था, किधर ये गया था, कहीं कॉफ़ी पी रहा था, क्या कर रहा था, अभी भी ये किधर बैठा है, किसके पास है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डिनाइल दिए कि हमने अरेस्ट नहीं किया, केपी हाउस से रात को मिला ही नहीं, तो किधर ये भाग के गए थे, किसके पास गए थे, वो खुद बता सकते हैं। ना पहले वाला बताया वही बताना चाहिए। और रात को फुटेज आपने भी देखे होंगे कि केपी हाउस से ये अरेस्ट नहीं हुआ, ये मौजूद ही नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन ने ऐवान के अंदर भरपूर किरदार अदा करने का भी फैसला किया है और इस हवाले से अराकीन को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।